आज आपको बताऊंगी लहसुन छीलने का बहुत ही आसान तरीका। मेरे बताए तरीके से यदि आप लहसुन छीलते हैं तो आपका टाइम बचेगा और इससे आप काफ़ी सारा लहसुन कुछ ही मिनटों में छील कर स्टोर कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका गार्लिक पेस्ट बना सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही कंटेनर में भरकर स्टोर कर सकते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में खाना बनाना होता है, अगर हमें लहसुन पहले से छिला छिलाया मिलता है तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। कई बार हम पेस्ट का इस्तेमाल भी करते हैं तो तब भी हमें पेस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तब आप पेस्ट बना कर रखते हैं, तब भी आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। घर पे कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो या कोई गेस्ट आने वाले हैं तो तब आप खुद खाना बनाते हैं, उसमें गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से पहले से छील कर अगर आप स्टोर कर लेते हैं ना तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि गार्लिक छीलना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि हमें इसे अलग से टाइम देना पड़ता है। काफ़ी सारा टाइम हमारा बचता है अगर आप मेरे इस बताए टिप्स को फॉलो करते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लहसुन की कलियों को अलग करना है। अगर हम एक एक करके लहसुन की कलियां अलग करते हैं तब भी हमारा काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। तो यहाँ पर भी आपके लिए टिप है कि आपको एक एक कली लहसुन की अलग नहीं करनी है। आपको यहाँ पे स्लेब पर लहसुन को थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देना है, इससे आपके लहसुन की कलियाँ बहुत ही जल्दी अलग हो जाएंगी और जितना भी गार्लिक का छिलका है उसे आप अलग निकाल दें और जो हमारे लहसुन हैं उसे साफ़ करके आप प्लेट में रख दे जाएँ। इस तरीके से आप 3 से 4 लहसुन को फटाफट से प्रेस करके दबा के और इसकी कलियां अलग कर लें। अगर आप 2 से 3 सब्जियां ही बनाने वाली हैं तो सबसे आसान तरीका बताती हूँ। अगर आप सुबह को सब्जी बनाने वाले हैं तो रात को आप इसे छील कर रख दें। एक कली ले लें लहसुन की और ऊपर से आप इसे नाइफ से थोड़ा काट दें और फटाफट से इस तरीके से छिलका उतर जाता है। ऐसे आप कम टाइम में काफ़ी सारा लहसुन छील सकते हैं। इसमें से आपको जो भी टिप्स अच्छा लगे उसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी आसान तरीका है, अगर आप जल्दबाजी में हैं तो इस तरीके से भी काफ़ी सारा लहसुन छील सकते हैं। तो एक ये तरीका हो गया लहसुन को थोड़ा जल्दी छीलने का। इससे आप ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल रेगुलर सब्जी बनाने के लिए इस तरीके से आप छील सकते हैं। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा लहसुन छील कर स्टोर करना है या फिर पेस्ट बना के रखना है तो आपको एक तरीका और बताती हूँ। आप आधा किलो या फिर 1 किलो या फिर 300 ग्राम जितना भी लहसुन को छीलना चाहते हैं इस तरीके से सारी कलियों को अलग कर लें और इसका पील अलग कर दें। फिर आप एक कढ़ाई में आधा लीटर पानी ले लें, हल्का सा 1 मिनट तक गर्म करना है और गैस को बंद कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे गैस आपका ऑफ होना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, इससे लहसुन सारा ख़राब हो जाएगा। हल्का सा पानी गर्म होना चाहिए, इसमें आप सारा लहसुन डाल दें। इस तरीके से डालने के बाद आप 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही लहसुन को रहने दें, पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि लहसुन का जितना भी छिलका है एकदम से सॉफ़्ट हो गया है। फिर आप हाथ से थोड़ा सा इसको मसलें तो सारे लहसुन का छिलका बहुत आसानी से पॉपअप होके अपने आप ही निकल जाएगा। ये सबसे ही आसान तरीका है ढेर सारा लहसुन छील कर स्टोर करने का। ये ट्रिक आप ज़रूर फॉलो करना। इस तरीके से आप लहसुन को बहुत आसानी से छील कर स्टोर कर सकते हैं। ऐसे आप सारे लहसुन को मसल दें और फिर सारा लहसुन आप निकाल दें कढ़ाई से बाहर और छिलके सारा अलग कर लें। यहाँ पे देखिए मैंने सारा लहसुन एक प्लेट में रख लिया है और सारा छिलका लहसुन का अलग हो गया है। सबसे आसान तरीका है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आप स्टोर करना चाहते हैं इसको तो आप थोड़ा सा पंखे की हवा में इसे डाल दें ताकि इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये ड्राई हो जाए। अब एक टिप और बताती हूँ आपको। अगर आपने इस तरीके से लहसुन को थोड़ा रगड़ कर छिलका अलग हटाया है तो लहसुन की स्मेल हाथों में आ जाती है। इसे अवॉइड करने के लिए आप क्या करें कि हाथों पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा लें, हाथों पर इस तरीके से आप मसल लें हल्का सा पानी डालकर, फिर आप इसे आधा मिनट के लिए रहने दें। उसके बाद अपने हाथों को वॉश कर लें, आपके हाथों से लहसुन की स्मेल पूरी तरीके से चली जाएगी। यहाँ पे लहसुन सारा ड्राई हो गया है, इसे एक बॉक्स में डाल दें और फिर इसे ढक कर आप फ्रिज में स्टोर कर लें या फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हैं। आपका लहसुन कई दिनों तक ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसका पेस्ट बनाना चाहते हैं तो इसे पीस कर आप फ्रीज़र में स्टोर कर लें।
अगर आप जिंजर गार्लिक का दोनों का पेस्ट एक साथ बनाना चाहते हैं तो जितना आपने गार्लिक लिया है उतना ही आप जिंजर ले लें। फिर आप मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल डालकर इनको अच्छे से पीस कर पेस्ट बना लें। फिर एयर टाइट जार में भरकर आप इसे स्टोर कर लें। इस तरीके से आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कम टाइम में, कम मेहनत में काफ़ी सारा लहसुन छील कर स्टोर कर सकते हैं। जब मर्जी काफ़ी सारी सब्जियां बनाएं, आपको लहसुन छीलने का झंझट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।